Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss the demonstration of matter wave. तो इसमें दो एक्सपेरिमेंट आते हैं, एक डेविसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट जो इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन को बताता है और दूसरा जी पी थॉम्सन का एक्सपेरिमेंट है. तो आज हम डिस्कस करेंगे डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट को और देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होते हुए भी डिफ्रैक्शन नेचर को शो करता है और इस तरीके से वो ड्यूअलिटी का पालन करता है इलेक्ट्रॉन. तो इससे पहले दे ब्रॉगली ने ये हाइपोथेसिस दिया था कि जो सभी मटेरियल पार्टिकल्स हैं वो मोशन में जब वो होते हैं तो उनके साथ एक वेव एसोसिएट होती है. कि उन्होंने देखा कि लाइट जो है, लाइट हम पढ़ते हैं कि वो इंटरफ्रेंस डिफ्रैक्शन यानी वेव फिनोमेना भी शो करती है. और उसी तरीके से हमने अभी मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा है, क्वांटम मैकेनिक्स में, कि जो फोटोन लाइट जो है, लाइट है वो एज अ फोटोन पार्टिकल जैसा भी बिहेवियर रखता है. जैसे कि हमने क्वांटम इफेक्ट को देखा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो लाइट का बिहेवियर था वो एक पार्टिकल नेचर का था. तो जब लाइट डुअल बिहेवियर रख सकती है, पार्टिकल एज वेल एज वेव, तो दे ब्रॉगली ने सोचा कि तो हर बॉडी को ऐसा होना चाहिए. तो उन्होंने कहा कि लगभग हर बॉडी ही वेव एसोसिएट करती है अगर वो मोशन में हो. तो वहीं से इसकी स्टार्ट होती है. तो उन्होंने कहा था कि एवरी मटेरियल बॉडी हैज़ अ वेव एसोसिएटेड विथ इट ड्यूरिंग इन मोशन, और इसी वेव को हम मैटर वेव्स कहते हैं और उसी के डिमोन्स्ट्रेशन के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट है. तो इनिशियली ये एक्सपेरिमेंट उस चीज़ के लिए नहीं किया गया था, ये एक्सीडेंटली उसका एक्सपेरिमेंट बन गया उसकी एक्सप्लेनेशन का कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर रखता है. सबसे पहले तो ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था निकल क्रिस्टल है, होता है, उसकी स्टडी हो रही थी निकल क्रिस्टल के बारे में. और वहाँ पे हमें डिफ्रैक्शन एक नज़र आया तो ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन शो कर रहा है. तो हमने उसको दे ब्रॉगली के डिमोन्स्ट्रेशन, मैटर वेव के डिमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज कर लिया. अदरवाइज़ ये एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट है. ये जब शुरू किया गया तो इंटेंसली ऐसा कुछ नहीं था कि हम मैटर वेव को शो करने जा रहे हैं. ये सिर्फ एक निकल क्रिस्टल की स्टडी हो रही थी, इत्तेफाक से ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे यूज हो गया वेव्स या कह सकते हैं डिफ्रैक्शन के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हेडिंग है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मैटर वेव्स, दैट इज़ द डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन. इसमें जो डेविसन और जर्मर ने यूज़ किया था एक्सपेरिमेंटली, तो उन्होंने यहाँ पे एक निकल क्रिस्टल लिया था, निकल क्रिस्टल, और यह फिलामेंट है जहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे इस तरीके से. और यहाँ से हम हीट करा रहे हैं, ये हमारा बैटरी का पोर्शन बैटरी है. और यहाँ से हम वोल्टेज को वैरी करा सकते हैं. तो जितना वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे बढ़ाने घटाने के, वो यहाँ से हम कर सकते हैं. तो जैसे ही हम यहाँ हीट करते हैं तो ये फिलामेंट हीट होता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है. तो इसको हम इलेक्ट्रॉन गन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गन, क्योंकि यहीं से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है. तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रोड्यूस होता है और निकल क्रिस्टल पे इंसिडेंट होता है तो यहाँ पे एक डिफ्रैक्शन नेचर शो होता है. यहाँ से इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट होता है. और निकल क्रिस्टल ही क्यों यूज होता है, क्योंकि निकल क्रिस्टल एक पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल है, पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल. तो ये एक काफ़ी सॉलिड मटेरियल होता है, यानी ऐसा मटेरियल हमें चूज़ करना होगा जो कि इलेक्ट्रॉन से ब्रेक ना हो और जो डिफ्रैक्शन मिल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो, ना कि निकल का खुद का पार्टिकल्स या एटम्स उसके डिफ्रैक्ट हो जाए. इसलिए हम निकल को यूज करते हैं. ये काफ़ी सॉलिड पार्टिकल्स है, सॉलिड क्रिस्टल है. तो आफ्टर डिफ्रैक्शन इलेक्ट्रॉन को हम मेज़र करते हैं, एक फैराडे सिलेंडर बोलते हैं इसको, फैराडे सिलेंडर, सिलेंडर जो कि कनेक्टेड होता है गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर. तो वहाँ से हम मेज़र करते हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी हम हाई मानते हैं. तो एक तरह से करंट ही मेज़र करता है इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने इलेक्ट्रॉन हमारे डिफ्रैक्ट हो रहे हैं. तो डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया, डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज.
देखकर, तो हुआ क्या है कि लगभग 45 डिग्री से ये यहाँ पे इंटेंसिटी और वोल्टेज का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो 45 वोल्टेज से लगभग हमें एक बम्प मिलना स्टार्ट होता है कुछ इस तरीके से। उसी तरीके से तो 54 वोल्टेज पे और इस एंगल पे जो हम यहाँ पे एंगल दिखा रहे हैं ये वाला, अगर ये क्रिस्टल है तो यहाँ एक तरह से एक्सरे टाइप का डिफ्रेक्शन होता है, एक्सरे डिफ्रेक्शन जैसे होते हैं ब्रैक्स लॉ में, जैसे एक्सरे का डिफ्रेक्शन होता है उसी तरीके से यहाँ इलेक्ट्रॉन का डिफ्रेक्शन होता है, लेकिन फिनोमेना कुछ उसी तरीके से यूज होता है जैसे ब्रैक्स लॉ में है, 2d साइन थीटा इक्वल एंड लैम्डा। ठीक है, तो ये जो ब्रैक्स लॉ है का एक क्वेश्चन था, ब्रैक्स लॉ का वो यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो ये जो डिफ्रेक्शन एंगल है ये हमारा इंसिडेंट एंगल थीटा होता है, तो ये 45 हमारा ये वाला एंगल होगा, इधर वाला 45। तो ये इनिशियली अराउंड 44 है, इसको करेक्ट करिए। फिर उसी तरीके से जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं तो अलग अलग वोल्टेज पे आता है, जैसे 48 वोल्ट कुछ इस तरीके का, यहाँ पे आता है कुछ से 47 या फिर, तो एक जो सबसे प्रोमिनेंट हमें प्लॉट मिलता है वो मिलता है फिफ्टी डिग्री पर, और वो होता है 54 वोल्ट पे। ठीक है, 54 वोल्ट क्या है मोस्ट प्रोमिनेंट बम्प मिलता है, जो बिल्कुल वेव जैसा बिहेवियर दिखता है कि वो वेव नेचर को शो कर रहा है। और ये जो गैल्वेनोमीटर था ये एक सर्कुलर स्केलिंग पे होता है, ये पूरा घूम सकता है 360 डिग्री पे, तो इसको हम पूरी हर तरीके से इसको घुमा के हम इसको मेज़र करते हैं गैल्वेनोमीटर में इलेक्ट्रॉन को। तो जो मोस्ट प्रोमिनेंट मिलता है वो फाई जो है हमारा वो 50 डिग्री और वोल्टेज 54 वोल्ट, जो मोस्ट प्रोमिनेंट नेचर मिलता है वो इन्हीं दो एंगल पे मिलता है, एक फाई इक्वल टू 50 डिग्री और जो वोल्टेज होता है वो 54 वोल्ट पे मिलता है। ठीक है, तो जब हम इसको यूज़ करते हैं 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, एन यहाँ ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो हम यहाँ सरफेस से ही रिफ्लेक्शन लेंगे तो सिंपली एन इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पे लेमडा। तो जब हम थीटा यहाँ पे निकालेंगे तो एक चीज़ और यहाँ हमें देखना होगा, एक फॉर्मूला हमने दे ब्रॉगली में पढ़ा था, तो जो दे ब्रॉगली वाला रिलेशन था, तो दे ब्रॉगली वाले एक्सप्रेशन से हम जब लेमडा निकालेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, ये है हमारा थ्योरी वाला जो कि था लेमडा इक्वल टू इतना और ये हमारा वोल्ट में होता है एंगस्ट्रॉम। तो लेमडा इक्वल ये क्या था, दे ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, लेमडा इक्वल अंडर रूट 115 अपॉन वी, और जो वी होगा वो वोल्ट में होगा और ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो इसे जब हम फाइंड करते हैं लेमडा को थ्योरेटिकली तो 54 वोल्ट, तो ये करीब करीब आता है 1.67 एंगस्ट्रॉम। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यही आता है 1.67 एंगस्ट्रॉम। अब देखते हैं कि दूसरे तरफ से हम क्या होगा, तो अगर ये हमारा एंगल एक तरीके से ये वाला एंगल कितना है, जो मोस्ट प्रोमिनेंट वाला केस था, या इसको हम अलग से बनाते हैं, तो ये हो गया हमारा निकल क्रिस्टल, यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन का इंसिडेंट दिखा रहे हैं
और एक तरह से इधर की तरफ गैल्विनोमीटर की तरफ, जो गैल्विनोमीटर ये वाला एंगल है 50 डिग्री, ठीक है। तो जो ब्रैक्स एंगल हम पढ़ते हैं या ब्रैक्स डिफ्रैक्शन होता है, उसमें क्या होता है, हम एक पैरेलल प्लेन लेते हैं, जो हमारी एक्सरे होती है वो किसी एंगल से इंसिडेंट होती है। ये नॉर्मली इंसिडेंट नहीं होती, नॉर्मली इंसिडेंट होता है तो वो सीधे या तो रिटर्न हो जाएगा या फिर वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा पूरा। तो ये एक एंगल पे होता है। तो यहाँ पे जब हम इसको बढ़ाएंगे पीछे, इसको यहाँ से अगर हम इसे पीछे बढ़ाएंगे, तो हमारा अब ये वाला एंगल जो है वो थीटा बनेगा, जो यहाँ पे थीटा यूज होता है। थीटा क्या है, यही इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल। तो डिफ्रैक्शन जो है वो डिपेंड करता है इंसिडेंट एंगल पे। अब ये थीटा कितना हो जाएगा, तो चूंकि ये पूरा एंगल हमारा 180 होगा, तो थीटा हमें मिल जाएगा, थीटा की वैल्यू, थीटा इक्वल 180 माइनस 50 अपॉन 2, क्योंकि ये 50 है और टोटल यहाँ 180 है। तो यहाँ से ये दो सेक्शन में यहाँ से डिवाइड हो रहा है, तो हमें जनरली क्या मिलेगा, 180 माइनस 50 अपॉन 2 यानी 65 डिग्री। जो थीटा होगा वो 65 डिग्री होगा। तो अब जब हम यहाँ पे 65 डिग्री पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 2, और निकल के लिए जो D होता है, और निकल एक तरह से यहाँ ग्रेटिंग का भी काम कर रहा है जिससे डिफ्रैक्शन हो रहा है। तो D एक इंटरप्लेनर स्पेसिंग टर्म है, और इस D का मान होता है निकल के लिए 0.91 एंगस्ट्रॉम। ये निकल क्रिस्टल का इंटरप्लेनर स्पेसिंग है 0.91 एंगस्ट्रॉम। जब हम इसको सॉल्व करते हैं 0.91 × sin 65 डिग्री, तो लैम्डा हमें मिलता है करीब 1.65 एंगस्ट्रॉम। तो ये देख रहे हैं कि ये लगभग इसके बराबर है। यहाँ से जो जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट था वहाँ से हमें मिलता है 1.67 एंगस्ट्रॉम, और जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट था वहाँ से मिलता है 1.65। तो हम देख सकते हैं कि नियर अबाउट दोनों ही सेम है। ये कौन सा रिजल्ट है, ये हमारा थ्योरेटिकल रिजल्ट, और ये क्या है, ये है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। ठीक है, तो दोनों रिजल्ट लगभग सेम है। तो इस तरीके से ये पता चला कि जो वेव्स, जो इलेक्ट्रॉन है, वो एक डिफ्रैक्शन नेचर शो करता है, क्योंकि जो वेवलेंथ हमारी आ रही है, डिब्रोगली वेवलेंथ भी वही है, और जो एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ है वो भी सेम ही है। इस तरीके से डेविसन और गर्मन ने एक एक्सपेरिमेंट इनका इस मामले में सफल रहा। भले वो निकल के क्रिस्टल में उतना सफल नहीं रहा, लेकिन जो जिसकी स्टडी उन्होंने इंटेंशनली किया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन हो गया, तो एक्सीडेंटली एक तरह का नया एक्सपेरिमेंट हो गया जो कि मैटर वेव्स के डिमोन्स्ट्रेशन में काम आ गया। तो ये पहला ऐसा एक एक्सपेरिमेंट था जो इलेक्ट्रॉन के जो डिफ्रैक्शन का बिहेवियर है उसको एक्सपेरिमेंटली शो किया। अदरवाइज अभी तक केवल थ्योरीज ही आ रही थी कि इलेक्ट्रॉन एक डिफ्रैक्शन नेचर शो करता है, लेकिन ऐसा कोई एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन नहीं था। ये पहला एक्सपेरिमेंट है जो ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन नेचर रखता है, और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो है ही, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एक ड्यूअल नेचर रखता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट में एक और जो है टॉपिक है इसी इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के ऊपर, जी पी थॉम्सन का एक्सपेरिमेंट, तो वो भी हम करेंगे, लेकिन वो होगा नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।